हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज मैं आप लोगों को अपने छोटे से आलू के खेत में लेकर चलने वाली हूँ और आप लोगों के साथ आलू हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कितने आलू निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 पॉट्स के अंदर आलू ग्रो किए हुए हैं। इनको ग्रो किए हुए मुझे 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इनको नवंबर में लगाया था और अभी मार्च चल रहा है। तो जब आलू की सिचुएशन ऐसी हो जाए, यानी कि इसके प्लांट की सिचुएशन ऐसी हो जाए, तभी आपको आलू को निकालना है। गीली मिट्टी में आलू को नहीं निकालना है। जब आपको लगे कि आपकी स्टेम्स येलो होने लगी हैं तो उसे पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुछ टाइम बाद उसकी स्टेम्स इस तरह से सूख जाएंगी, उसके बाद ही आप आलू को निकालना स्टार्ट करें। अब मैं एक एक पॉट में से आलू निकालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कितने आलू निकलते हैं। सबसे पहले इस ग्रो बैग को खाली करते हैं। तो देखिए 1 किलो से थोड़े कम आलू निकले, बट घर के अंदर आलू ग्रो करके बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी घर में ग्रो करें। मैंने इस पॉट के अंदर 3 आलू डाले थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉट के अंदर कितने निकलते हैं। आलू को घर में ग्रो करने के लिए आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा पानी डालेंगे तो आलू गल जाएंगे मिट्टी के अंदर। ये देखिए ज़्यादातर आलू आपको ऊपर ऊपर ही दिखेंगे, ज़मीन के ज़्यादा डीप नहीं जाते, लेकिन इनको पॉट थोड़ा बड़ा चाहिए ताकि ये अपनी जो जड़ें हैं उनको डेवलप कर पाएं। ये देखिए इसकी पत्तियां पूरी तरह से सूख चुकी हैं और ऊपर ही ऊपर मुझे बहुत सारे आलू दिखाई दे रहे हैं। आपको दिख रहे हैं? ये देखिए। देखिए मेरे लिए तो ढेर सारे आलू निकल गए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।